फीमेल पठान हूँ मैं दोस्तों। दोस्तों आज मैं जा रही हूँ, आरिफ खान जी ने मीटिंग के लिए बुलाया है। उन्होंने मुझे कहा है कि शायद वो कोई मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं और मूवी का नाम है फेंकता है साला। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है और उसमें मेरा क्या रोल रहेगा। आइए आपको ले चलती हूँ आरिफ खान जी के पास। और क्योंकि मुझे लेट हो रहा है इसलिए मैं ऑटो में जा रही हूँ, गाड़ी निकालना पार्क करना है तो उसमें और ज़्यादा लेट हो रहा है। सो बट ये है कि ऑटो में मेकअप ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा पसीना आता है और बाल भी खड़ जाते हैं, बट इट्स ओके। नहीं अगर आपकी हीरोइन आ रही है तो जब सोलो शॉट लेंगे पहले ले लेते हैं। नहीं वो लाइव लोकेशन अच्छा इस वजह से ढूंढती रही, यहाँ आज शूटिंग कर रही हूँ। मैंने तुम्हें बुलाया तो थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी क्या है क्या नहीं। मैं पूछना चाह रही हूँ क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है हमारे फिल्म फेंकता है साला में गाना फेंक तो नहीं रहे ना, नहीं फेंकता है साला जो मूवी है उसमें सपना वस्ती का एक गाना है हमारा। अच्छा। कि जुदा हो गए दो दिन सुनी है दिल की महफिल ये क्या गजब हो गया सजनी का साला। अच्छा, तो इसमें नहीं गाने के साथ में तुम्हारा इतना इम्पोर्टेंट सीन है इस पर कि ये हीरो हीरो को मिलाने में दोनों के जख्मों पर मलहम लगाने वाला है, एक फूल चलाने वाली एक गरीब राजस्थानी किसान की औरत मतलब कैरेक्टर, तो ये सारे शेर उसमें आ गए और लोग सैल्यूट करेंगे। जैसे अभी पठान में तुमने देखा हो सलमान खान एंड टाइम पर आता और आकर के शौर को बचा लेता पठान, तो वो कैरेक्टर तुम्हारा। अच्छा, तो अभी से फीमेल पठान फीमेल पठान हूँ मैं दोस्तों ये फीमेल पठान है हमारे फिल्म फेंकता है साला की और इन पर एक गाना भी हो रहा है। और आपको तो मालूम है इतनी अच्छी राजस्थानी, राजस्थान में इतनी खूबसूरत लेडी को किसी ने पिक्चराइज किया ही नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है, मैं जब इनको राजस्थानी गेटअप दूंगा और वो नाक में बड़ी नथनी होती है ना, और एक गरीब औरत इतनी खूबसूरत गरीब औरत आज तक आपने देखा नहीं होगा। स्टार कास्ट अभी सब सस्पेंस है, मैंने फिर तुम्हारे रोल के बारे में बताया। ठीक है कोई बात नहीं, तो थोड़ा इंतजार कर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये स्टूडियो जलंधर में आई हूँ, क्रोमा शूट होता है यहाँ। रत्नदान बारह फरवरी ना रक्तदान शिविर। हाँ हाँ कह दो के तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। कह दो के तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। देखो अब
किया हुआ। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे आकोट वासियों को, आरिफ खान का और हमारी हीरोइन ज़ेबा काजी का प्यार भरा आदाब और नमस्कार। दोस्तों मैं आज आपको एक गुड न्यूज दे रहा हूँ और सबसे पहले एक शेयर कहना चाहता हूँ कि दुनिया में हर चीज का मोल है पर जिंदगी अनमोल है। दोस्तों किसी की जिंदगी बचाना है तो उसके लिए हमारे आकोट में गजानन महाराज संस्थान जो है तो एक बहुत बढ़िया काम करती है हर साल और मुझे भी उसमें शामिल करती है। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि ब्लड डोनेट शिविर दर साल फरवरी में वो लगाती है तो इस साल भी 12 फरवरी को ये ब्लड डोनेशन शिविर लगा है अकोली जहांगीर पोपटकेला रोड आकोट में और टाइम है सुबह 9 बजे से दोपहर में 3 बजे तक। और लेडीज से भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर जाइए और उनकी मदद कीजिए और बहुत ही नेक काम है, जैसे कि आरिफ जी ने कहा है कि ये बहुत ही सवाब का काम है तो आप सबसे निवेदन है कि ज़रूर जाइए। और दोस्तों आपको एक जाते जाते एक मैसेज देता हूँ कि सर्वधर्म समभाव की भावनाएं अपने अंदर रखो और साथ में इतना ही कहूँगा कि एक इंसान नहीं बनता बल्कि पूरा परिवार बन जाता है और जब कोई एक इंसान बचता है तो पूरा परिवार बच जाता है। तो आपके इस ब्लड डोनेशन से पता नहीं किसकी ज़िंदगी बच जाए और किसका परिवार बच जाए। मेरी बात को आप समझ गए होंगे, बस इतना ही कहूँगा कि मेरे आकोट वासी आप लोगों पर मुझे गर्व है कि आप जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल करके रहते हैं हमेशा ऐसे ही रहे और 12 फरवरी को इस शिविर में आप शामिल होकर के हमारे आकोट का नाम ऊंचा करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र एंड जय आकोट। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं आपके गाने पे है ना, बंजारन के, बंजारन के गाने राजस्थान में शूट है, राजस्थान में शूट करें। ठीक है, जैसलमेर। तो दोस्तों आरिफ जी का चैनल है, उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरा चैनल है झकास बोलो और झकास बोलो में आपको सब कुछ झकास ही मिलेगा, ज़ेबा काजी तुम्हारी तरह। तो दोस्तों देखते रहिए झकास बॉलीवुड और हमारी ज़ेबा जी का चैनल को भी थोड़ा सा सब्सक्राइब करें लाइक करें और घंटी वगैरह ना भूले क्योंकि मानता हूँ तुम्हारी वचन को, ज़ेबा काजी बोले तो बस गाय जिंदगी तो जल्दी मिलेंगे वापिस। चलो अल्लाह, बाय बाय संजय जी, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो ये थी मेरी आज की मीटिंग और दोस्तों अब मैं चली घर। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज बताइए आपको कि मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। और दोस्तों मैंने ऑटो ले लिया है और मैं निकल गई हूँ घर की तरफ। दोस्तों अब मैं घर के नीचे पहुँच चुकी हूँ और कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग और आरिफ जी के साथ मीटिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ऐसे और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए।